बात 1857 की क्रांति से पहले की है, जब मध्य प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में सूखे और अकाल से लोग परेशान थे। तो उससे कहीं ज्यादा परेशान थे तो अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार से। अंग्रेज और साहूकार गांव और वनवासी क्षेत्रों में लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसे में धोती कमीज और सिर पर साफा बांधे एक ऊंची कदकाठी का युवक इस देश में राज करने वाले अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। जब वे अंग्रेज उस युवक के क्षेत्र में लगान के नाम पर अवैध वसूली, घूसखोरी, जबरदस्ती और हिंसा का तांडव रच रहे थे, उस समय ये युवा साहूकार, रसूखदार और सरकारी खजाने को लूटकर गरीबों में बांट रहा था। इतना ही नहीं, इस युवा ने शोषण अत्याचार से छुटकारा दिलाने अपनी एक सैनिक टोली भी बनाई थी और ये पहला वनवासी युवा था जिसे कालापानी में फांसी की सजा दी गई। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के दौरान आम जन में क्रांति की अलख पैदा करने वाले भील समुदाय के गौरव भीमा नायक की। सन 1815 को मध्य प्रदेश में जन्मे भीमा नायक की माता पिता उन्हें बचपन से ही संस्कारित कर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में कुशल कर रही थी। उसी का असर देखने को मिला कि भीमा नायक ने लगभग 500 नौजवानों की एक सैनिक टुकड़ी बनाई जिसमें भील, भिलाला, मकरानी के युवकों को शामिल कर उन्हें सैनिक की तरह प्रशिक्षित किया। सुरक्षा के लिए घाना बावड़ी में भीमा ने एक गड़ी भी बनवाई। इस युवक के द्वारा बनाई गई टुकड़ी उसके शौर्य और साहस से लबरेज कारनामों के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। 3 नवंबर 1858 में तात्या टोपे जब दक्षिण की ओर जा रहे थे तब वे निमाड़ की ओर आए। उनके आने से भीमा नायक सहित समस्त क्रांतिकारियों में उत्साह का बेग उमड़ पड़ा। इसी दौरान तात्या टोपे ने भीमा नायक से मुलाकात की और तात्या टोपे ने अपने 200 प्रशिक्षित क्रांतिकारी भीमा नायक के साथ कर दिए। भीमा नायक ने तात्या टोपे और उनकी सेना को नर्मदा नदी पार कराने में मदद की। जल्द ही भीमा नायक के किस्से उनके क्षेत्र से निकलकर पूरे देश में गूंजने लगे। जल भीमा, जंगल भीमा, जमीन भीमा, पहाड़ भीमा, फल भीमा, फूल भीमा, गुहार भीमा, जुहार भीमा। भीमा नायक के शौर्य के किस्से अंग्रेजों के कानों में गूंजने लगे। भीमा नायक के विद्रोह की वजह से अंग्रेज तिलमिला उठे। अंग्रेजों ने भीमा नायक की खोज में गुप्तचर तैनात किए, लेकिन भीमा नायक एक हवा का झोंका थे, किसी के हाथ नहीं लगे। जिसके बाद अंग्रेजों ने भीमा नायक के साथियों के साथ उनकी मां को कई यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन न दैन्यम न पलायनम, न भीमा नायक कभी डरे और न ही कभी पीछे हटे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। जिसके बाद भीमा की सुरसी के बलिदान से क्रांतिकारियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जेल पर कब्जा कर लिया। कई क्रांतिकारी पकड़े गए, कितने ही लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। यहां तक कि कईयों को अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा भी हुई। इतनी यातनाओं के बाद भी भील नेता भयभीत नहीं हुए। उन्होंने संघर्ष के बीच में रहकर अंग्रेजों से लोहा लेना कम नहीं किया। अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता रहा, लेकिन इन्होंने अपने हथियार नहीं डाले। सन 1861 तक लड़ाई चलती रही और अंग्रेज हुकूमत सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास करती रही कि भीमा नायक को कैसे अपने शिकंजे में लिया जाए।
लेकिन एक बार फिर एक गद्दार की वजह से भीमा नायक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 2 अप्रैल 1867 को भीमा नायक सो रहे थे जहां पर एक गद्दार ने सूचना दी और सूचना के बाद अंग्रेजों ने भीमा नायक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अंडमान और निकोबार में स्थित कालापानी में भीमा नायक को फांसी की सजा दी गई।